नमो बुद्धाय जय भीम। तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अंतिम संदेश स्थली सारनाथ वाराणसी से मैं सभी धर्म बंधुओं को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम क्षण 24 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर 1956 के बीच में उन्होंने काशी विद्यापीठ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और सारनाथ वाराणसी में अपने ऐतिहासिक भाषण दिए। उस ऐतिहासिक भाषण में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुझे आपको यह अवगत कराते बड़ी खुशी हो रही है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ और ठीक 26 नवंबर 1956 को ही बाबा साहब अंबेडकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के मैदान में कहा कि मेरे भाइयों बहनों और छात्रों, तुम इस बात पर विचार करो कि तुम्हारा जीवन धर्म ग्रंथों पर संचालित होता है या भारतीय संविधान पर। यदि भारतीय संविधान पर संचालित होता है तो केवल भारतीय संविधान जिंदा रखा जाएगा, यदि धर्म ग्रंथों पर संचालित होता है तो केवल धर्म ग्रंथ जिंदा रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़ी चेतावनी दिया मेरे धर्म बंधुओं कि दोनों को साथ साथ जिंदा नहीं रखा जाएगा। आज जरा देखें, सबरीमाला में महिलाओं को जाने का अधिकार यदि कहीं से मिला तो भारतीय संविधान से मिला। मुस्लिम महिलाओं को भी 3 तलाक से जो निजात मिली वो भारतीय संविधान से मिला। और अभी एक नया मामला जो 9 नवंबर 2019 को आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी यदि न्याय मिला, रामलला को भी न्याय मिला तो भारतीय संविधान से मिला। तो भारतीय संविधान के माध्यम से, और एक चीज और आपको मैं अवगत कराऊंगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 18 मार्च 2019 को शिथिलीकरण कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन उसी फैसलों को, एससी एसटी एक्ट के फैसले को भी न्याय संगत संवैधानिक बताया गया 1 अक्टूबर 2019 को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक और पुराने फैसले जो 18 मार्च है उसको रद्द कर दिया। आज एससी एसटी लोगों के विरुद्ध जो अत्याचार होगा अब पुरानी स्थिति के माध्यम से उन पर मुकदमा दर्ज होगा, जो अत्याचारी हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उनके साथ जो कानून संगत जो कार्रवाई वो होगी। अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति का जो आरक्षण का मामला था, वो ही फैसला जो 27 अप्रैल 2012 को आया, उस पर जब रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया 26 सितंबर 2018 को। उसने कहा कि जो 3 मापदंड थे कि अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति का आरक्षण मिलेगा, तो सरकार 3 बातों का अध्ययन करेगी, डाटा कलेक्ट करेगी। वो डाटा क्या था कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं, इनको पदोन्नति देने से कहीं कार्यदक्षता का कहीं विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, और तीसरा कहा कि इनके बैकवर्डनेस पिछड़ेपन का भी आधार बनाएगी। इस पर भी फैसला आ गया 26 सितंबर 2018 को कि अब पिछड़ेपन का कोई आधार नहीं होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो इन्होंने पदोन्नति का आरक्षण दे सकती है, बशर्ते 2 तथ्यों को अभी भी रखने की प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व और इनके पदोन्नति देने से वो विपरीत प्रभाव कार्य कुशलता पर नहीं पड़ रहा, इसका डाटा देना पड़ेगा। यह भी न्याय आया तो सुप्रीम कोर्ट से आया, और सुप्रीम कोर्ट किस पर टिकी है, भारतीय संविधान पर टिकी हुई है। तो बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान से आज पूरे देश में जो लोकतंत्र मजबूत है, जिसकी बुनियाद पर आज भाईचारा बना हुआ है, आज पूरे प्रकरण को देखें कि आज ये जो 125 करोड़ की जो आबादी है, जहां पर विभिन्न भाषा धर्म जाति सब संप्रदाय के लोग हैं, जो एक साथ जो बंधे हुए हैं वो भारतीय संविधान के वजह से है। और बाबा साहब अंबेडकर अपने भाषण में विद्यापीठ में बोला कि हमारे जो बहुजन लोग हैं,
हमारे जो बौद्ध लोग हैं, जो लोग जो यहाँ के एससी एसटी ओबीसी कहे जाते हैं, ये मूलतः यहाँ के बौद्ध निवासी हैं। ये समता समता न्याय बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण के, इसीलिए भारत को विश्व का गुरु कहा जाता था। और बाबा साहब अम्बेडकर सारनाथ वाराणसी में कहा कि हर बौद्धों को अपने प्रत्येक रविवार को बौद्ध विहार में आकर के बौद्ध संस्कार को सीखना चाहिए। और छात्रों की स्पेशली काशी विद्यापीठ बीएचयू को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा कि छात्रों केवल स्कूली शिक्षा ही लेना नहीं है, उन्हें बौद्ध दर्शन समता समता न्याय बंधुत्व पर आधारित ज्ञान का भी अध्ययन करना है, जिससे कि पूरे देश में शांति की स्थापना हो सके। आज पूरे देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं युद्ध नहीं बुद्धिशाही। बुद्ध की जो कल्चर है, जो शांति है, सद्भाव है, ये जो पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान के माध्यम से जो पूरी आबादी सबको न्याय है, सबको अवसर की समानता है, सबके साथ न्याय है, रामलला को न्याय मिल रहा है, मंदिर मस्जिद को भी न्याय मिल रहा है, लोगों पूजा का भी न्याय मिल रहा है, तो भारतीय संविधान की स्मृति में और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिया उसकी स्मृति में 24 नवम्बर 2019 को डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी में विशाल डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के नहीं विदेश के लोग, हमारे एनआरआई साथी लोग आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के साथी लोग आ रहे हैं और पूरे जनपद उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का यह संदेश, जो लास्ट संदेश जो उन्होंने 24 से लेकर 28 नवंबर 1956 में दिया, ये समाज को अवगत नहीं हो पाया, इसलिए अवगत कराने के लिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन 24 नवंबर 2019 समय 10 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक, स्थान डॉक्टर अंबेडकर स्मारक शास्त्री घाट कचहरी वाराणसी पर आयोजित है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब बाबा साहब अंबेडकर के अंतिम भाषण को सुनने के लिए, समझने के लिए, चिंतन करने के लिए तथा उसका जन जन तक प्रचार करने के लिए उपस्थित होने का कष्ट करें। भारतीय संविधान यदि इस देश से चला गया तो यह देश खंड खंड में विघटित हो जाएगा। यह भारत जो एकता अखंडता के सूत्र में जो बंधा हुआ है वो भारतीय संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास की देन है। इसलिए भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम भाषण को जानने के लिए 24 नवंबर 2019 डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक शास्त्री घाट कचहरी वाराणसी आने का कष्ट करें। इसी निवेदन के साथ मैं आपको पुनः नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।